कहते हैं कि हर काम करने वाले के लिए इतवार को छुट्टी होती है और खातून खाना की छुट्टी हफ्ते में किसी दिन नहीं होती। मैं कहती हूँ खातून खाना की अगर छुट्टी हो जाए तो घर बंद हो जाए, घर कैसे चले। घर चलाने वाला ही अगर चुपचाप करके बैठ जाए छुट्टी कर ले तो घर नहीं चलेंगे। मैं कहती हूँ जैसे गाड़ी के लिए इंजन ज़रूरी है, इसलिए घर के लिए घर खातून खाना ज़रूरी है। वो औरत जो हाउसवाइफ है, जो घर में सारे निज़ाम चलाती है, जो घर चलाती हैं, वो छुट्टी नहीं कर सकती, उसका कोई इतवार नहीं होता। इवन के इतवार वाले दिन जब सारे घर की छुट्टी होती है उसका काम ज़्यादा, इतवार वाले दिन उसका काम ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। मशीन लगाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, पूरे हफ्ते के सारे काम एक हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन उसने समेटने होते हैं। और बारीकी के सफाइयाँ, तफसीली सफाइयाँ जो वीकली होती हैं, बारीक बीनी से सारे काम करना, उनको कपड़ों को धोना और फिर उनको इकट्ठा करना, फिर वापस उनको इस्त्री करना, फिर उनकी तरतीब वापस सेट करना, कौन से तय करने हैं, कौन से कहाँ रखने हैं। इसलिए खातून खाना की छुट्टी मुमकिन नहीं है। अगर इंसानी बॉडी के लिए दिल कहें तो ये खातून खाना घर का दिल है। अगर गाड़ी के लिए इंजन कहें तो ये खातून खाना गाड़ी का इंजन है। जैसे इंजन के बगैर गाड़ी बंद हो जाएगी, इसी तरह घर की औरत के बगैर घर बंद हो जाएगा। और अगर दिल बंद हो जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। इसी तरह अगर ये चुप करके बैठ गई तो घर की मौत हो जाएगी। इसकी ना कोई छुट्टी है और ना छुट्टी का दिन, ना रेस्ट का दिन, ना फरागत का दिन। इवन के अगर ये वर्किंग लेडी है, जॉब करती है, तब भी इसका सैटरडे संडे ज़्यादा बिजी गुजरता है। वीकली कपड़े प्रेस करने हैं, उनको संभाल के रखना, पूरे घर के बच्चों के किसने कौन से दिन पे कौन सा पहनना है, यूनिफॉर्म्स, पूरे हफ्ते की सारी इसने अरेंजमेंट एक संडे को करनी होती है। तो अगर वो छुट्टी मनाएगी तो ये सारे काम कौन करेगा। इसलिए उसकी छुट्टी के ऊपर बात करना या उसकी छुट्टी का जिक्र करना नामुमकिन है, नहीं करना चाहिए। बस यही कुछ हाल अपना भी है। हफ्ता को मशीन लगाओ, इतवार को कपड़े संभालो, इस्त्रियाँ करो, जगहों पे रखो, घर की डीपली सफाइयाँ करो, पूरे घर को अच्छे से अरेंज करो, चमकाओ। पूरे हफ्ते के बारीकी के सारे काम हफ्ते वाले दिन एतवार वाले दिन होते हैं। सो ये एतवार की रूटीन भी थोड़ी टफ़ होती है, थोड़ी टफ़ नहीं, ज़्यादा टफ होती है। जो हम लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है उसके लिए ये और ज़्यादा मसरूफ़ रहने का और ज़्यादा मुश्किल दिन होता है। कुछ यही हाल हमारा होता है हफ्ते वाले दिन या एतवार वाले दिन। महीने में एक सैटरडे संडे ऐसा आता है कि उसमें आउटिंग का प्लान बन पाया, कहीं बच्चों को लेकर बाहर गए या कुछ। और ये छोटे छोटे बच्चे और वो भी बेटे जिसके इकट्ठे हों एक जैसे, उसको आराम कहाँ। वीडियो अगर आपको लाइक पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब